वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रिशदीप सिंह, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब विखे धर्म अध्ययन विभाग का विद्यार्थी हाँ। मेरे बोलण का विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी वालों दित्तियां सिख्यावां। प्रगट भए गुरु तेग बहादुर, सकल सिस पैटाकी चादर। श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के ग्रह विखे, माता नानकी जी की कुखों अमृतसर विखे होया, जिथे अजकल गुरद्वारा गुरु के महल सुशोभित है। आप जी का जो पहला नाम सी त्यागमल सी, आप जी ने करतारपुर के विच जंग दे विच अहिजे तेग दे जौहर विखाए कि आप जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने आप नूं तेग दा धनी कह के सन्मानिया, ते बाद दे विच आप दा जो नाम तेग बहादुर पै गया। सन 1634 ईस्वी दे विच आप जी का जो विआह सी श्री लाल चंद जी सपुत्री माता गुजरी जी नाल होया, अते आप जी दे घर एक संतान पैदा हुई जिसका नाम आपने गोबिंद राय रखिया। विआह उपरंत आप 20 साल बाबा बकाला रहे। इस संबंधी जो धारावां मनिया जांदियां हन, पहली धारा यह मानती है कि आप बाबा बकाला रह के 20 साल भगती ही की, ते दूजी धारा का यह मानना है कि जिथे आप 20 साल बकाले भगती की, उसे समय दौरान ही आपने प्रचारक दौरे भी किए, लोगों नूं गुरबाणी दे नाल जोड़िया, वहमां भरमां तों कढ़िया। आप नूं सन 1664 ईस्वी दे विच श्री गुरु हरकृष्ण जी दे ज्योति जोत समाउण उपरंत गुरगद्दी दी बख्शिश जो प्राप्त हुई, जाबर ते जुल्म नूं ठल पाउण दे लई सन 1675 ईस्वी दे विच आप जी दी जो शहीदी हुई, आप जी दे औरंगजेब दे हुक्म दे नाल आप जी दे जो सीस सी धड़ दे नाल वक्ख करके दिल्ली विखे चांदनी चौंक दे विच शहीद कर दिता गया। आप दी जेकर बाणी दी गल कीती जावे तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग हन। उन्हां 31 रागां दे विचों 15 रागां दे विच आप जी दी जो बाणी दर्ज है, जिस विच 59 शब्द ते 57 श्लोक दर्ज हन। अते राग जैदरवंती एक अहिजा राग है श्री जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 31वां राग है, अते जिस विच श्री गुरु तेग बहादुर जी दी जो बाणी है उही शामिल है। जेकर असी श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन नूं देखिए, उन्हां दी बाणी नूं देखिए, जिस विचों अनेक ही सिख्यावां सानूं मिलदियां हन, गुरु साहिब सानूं अनेक ही उपदेश दिंदे हन। जेकर गुरु साहिब दे असी बचपन नूं देखिए तां बचपन दे विचों गुरु साहिब दी एक साखी प्राप्त हुंदी है। गुरु साहिब एक गरीब बच्चे नूं देखदे हन जिसदे पोशाक नहीं पहने हुंदी, कपड़े नहीं पहने हुंदे, तां गुरु साहिब अपनी पोशाक अपने कपड़े उस गरीब नूं लोड़वंद नूं दे आउंदे हन। जद घर आउंदे हन तां माता नानकी जी पुछदे हन कि आप जी दी पोशाक कित्थे है, तां आपने सारी विथ्या दसी। इस तरह जदों गुरु जी किसे नूं वी देखदे, गरीब नूं जरूरतमंद नूं, तां सेवा भावना दे नाल उसदी मदद करदे, तां सानूं इह सिख्या मिलदी है कि सानूं वी जदों जरूरतमंद गरीब दी मदद है जो करनी चाहीदी है। जेकर गुरु साहब की गुरबाणी की गल करिए, गुरु साहब की सारी ही जो बाणी है विशेष करते भक्ति भरपूर है। गुरु साहब मनुख नूं उपदेश करते हैं कि हे मनुख, तू उस परमात्मा की भक्ति दे विच जुड़, क्योंकि यही तेरे काम आने वाली है। उस परमात्मा का नाम ही सथिर है, उस तो बिना इस संसार दे विच कुछ सथिर नहीं है, सारा ही सारा संसार है, यह झूठ है। राम सिमर यह तेरे काज है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे, ज्यो बालू की पीत। विषय विकारां दा त्याग, गुरु साहब सानूं दसदे हन कि हे मनुख, तू अपने अंदरों विषय विकारां दा त्याग कर दे। काम क्रोध लोभ मोह हंकार वर्गे जो विषय विकार हन, उन्हां तों तू परे हट, उस परमात्मा दे नाल जुड़। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जंती, ताते अहनिस भागो। हे साधो हे संत जनो, अपने जो मन दा हंकार है मान है उसनूं त्याग दोगो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, जेडे काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज विषय विकार हन, जिवें असीं भैड़ी संगत करिए, भैड़े पुरशां दी संगत करिए, उस वर्गे हन। ताते अहनिस भागो, तैनूं अह दे भाव है इत है कि दिन ते निस दा भाव है रात, तैनूं दिन ते रात इस तों दूर रहना चाहीदा है।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।